हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपके इस अपने इस यूट्यूब चैनल पे तो हमारी फ्लूड मैकेनिक्स सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आज हमें हम शुरू कर रहे हैं तो आज आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रियोलॉजी ऑफ फ्लूड ठीक है इससे पहले हम विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं फ्लूड एज अ कॉन्टिनम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं फ्लूड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाएगी आज एक हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा प्लूड मैकेनिक्स का फर्दर टॉपिक है रियोलॉजी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो चलिए रियोलॉजी का क्या मतलब होता है रियोलॉजी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूड बिहेवियर जो हमारा फ्लूड होता है जैसे कि हमने पहले ही डिस्कशन किया कि फ्लूड क्या होते हैं लिक्विड एंड गैसेस ठीक है gases, इन जो हमारे फ्लूड होते हैं जिनके अंदर प्रॉ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो दैट इनके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ फ़्लो होती है इसको हम फ्लूड कहते हैं ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं इसी बिहेवियर की स्टडी को हम कहते हैं रियोलॉजी तो बेसिकली ये एक स्टडी है ठीक है ये एक स्टडी है ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूड ठीक है क्लियर अब सबसे पहला जो रियोलॉजी में हम सबसे पहले जो फ्लूड के बारे में डिस्कस करते हैं वो है न्यूटोनियन फ्लूड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कॉसिटी और उसी के बेसिस पे हमें एक एक्सप्रेशन मिला था दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई जहाँ पे ये हमारा जो टाउ है ये हमारा है शीयर स्ट्रेस जो हमारा है शीयर स्ट्रेस और जो हमारा ये म्यू है ये डायनामिक विस्कॉसिटी है और डी यू बाई डी वाई जो है हमारा विलास्टिक ग्रेडियंट है इसको हम डी थीटा बाई डी वाई भी लिखते थे रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन बेसिकली हमने न्यू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कॉस्टी पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन और विलास्टिक ग्रेडियंट ठीक है तो आ, इसी के बेसिस पे हमें ये फॉर्मूला मिला था जहाँ पे म्यू एक कांस्टेंट था जिसको हम डायनेमिक बिस्कॉस्टी कहते थे बिस्कॉस्टी वाले लेक्चर में हमने ये पूरा टॉपिक क्लियर किया हुआ है आप प्रीवियस वीडियोस में जाके इसको पढ़ सकते हैं तो बेसिकली हमें जो एक्सप्रेशन मिला हुआ था द टाउ इज इक्वल टू म्यू डी वाई जो भी फ्लूड इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करेगा पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिसफाई करेगा उसको हम न्यूटोनियन फ्लूड कहेंगे तो हमारा जो पहला फ्लूड होगा वो है न्यूटोनियन फ्लूड द फ्लूड विच सटिस्फाई द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कॉसिटी इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूड अगर हम प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करें टाउ और डी थीटा बाई डी टी और डी यू बाई डी वाई के बीच में तो हमें एक स्ट्रेट लाइन line, एक लीनियर कर्व मिलेगा जो कि ये है और इसका जो स्लोप होगा वो होगा यू ठीक है म्यू जो म्यू जो है इसका स्लोप होगा जो कि डायनेमिक विस्कोसिटी है तो स्लोप ऑफ द न्यूटोनियन कर्व, न्यूटोनियन फ्लूड का जो कर्व बन रहा है टाऊ और डी थीटा बाई डी टी और डी यू बाई डी वाई के बीच में वो स्ट्रेट लाइन है और उसका जो स्लोप है वो है डायनेमिक बुस्कोस्टिक क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए क्वेश्चन पूछ, पूछा जा सकता है दैट वट इज़ द स्लोप ऑफ ग्राफ या प्लॉट बिटवीन शीयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शीयर डिफॉर्मेशन ऑफ न्यूटीनियन फ्लूड ठीक है तो आप कहेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी इसी तरीके से लैंग्वेज में वेरिएशन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमारा सबसे पहला बेसिक कर्व है न्यूटोनियन फ्लूड का कर्व क्या होता है शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन या बिलॉस्टिक रेडियंट के बीच का तो वो है स्ट्रेट लाइन और उसका जो स्लोप है वो है म्यू तो ये हमारा डिस्कशन है आप इसको ध्यान से देख लीजिए ये कर्व काफ़ी बार हमें दिखाई देता है और पूछा भी जाता है ठीक है और अब बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूड हमारे रियल लाइफ में जो हमारे ये न्यूटोनियन फ्लूड है इसके क्या क्या एग्जांपल्स कौन कौन से फ्लूड इस कैटेगरी में आते हैं तो जो हमारी एयर है ठीक है जो हमारी एयर है वो एक न्यूटोनियन फ्लूड है जो हमारा वाटर है वो एक न्यूटोनियन फ्लूड है हमारा मरकरी एक न्यूटोनियन फ्लूड है कैरोसिन ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो भी एक न्यूटोनियन फ्लूड है और बहुत सारे ऐसे फ्लूड हैं बेसिकली हमें चार एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको इसमें बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं फॉर एग्जी गो एयर वॉटर मरकरी कैरोसिन ठीक है याद रहेगा कि न्यूट्रीनियन फ्लूड के एग्जाम्पल कौन से हैं एयर वाटर मरकरी कैरोसिन ठीक है Air, water, mercury, आपको कर्व याद रहेगा कि शेयर स्ट्रेस और डेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के बीच का कर्व कैसे बन रहा है वेरी गुड आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की अभी तक हमने डिस्कस किया न्यूटोनियन फलूड अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूड तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कौन से हैं नॉन न्यूटोनियन फलूड वो हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्टी को फॉलो नहीं कर रहे द फलूड विच डज़ नॉट ओवे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कॉसिटी इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूड तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की जो एक्सप्रेशन निकल के आता है क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में तो जान गए थे टाउ इज़ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई और डी थीटा बाई डी टी इसके बारे में तो हम जान गए थे बट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स के लिए भी तो हमारा कुछ एक्सप्रेशन होगा ना तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के लिए हमारा टाउ इज़ इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन ठीक है बी यहाँ ए क्या है बी क्या है एन क्या है मैं बताता हूँ आपको ठीक है बेसिकली आप यहाँ जान लीजिए जो हमारा ए और बी है वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है ठीक है एंड हमारा एक नंबर ऑफ टर्म्स दिखा रहा है जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे बेसिकली आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है ठीक है वो एक्सप्रेशन क्या है द टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस बी अब नॉन न्यूटेनियन फ्लूड को डिफाइन करने के लिए दो मेथड आए दो कैटेगरीज आई कि नॉन न्यूटेनियन फ्लूड जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं दो टाइप के कौन कौन से होते हैं वो होता है एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इनडिपेंडेंट जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है तो बेसिकली हमारा ए और बी जो है मैंने आपको बता देता हूँ कि हमारा ए और बी जो है इसको कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं ये कांस्टेंट है इसको कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं और जो हमारा एन है जो कि मैंने आपको बताया था कि नंबर है कोई तो फ्लो बिहेवियर इंडेक्स बोला जाता है इसको बेसिकली तो एन हमारा फ़्लो बिहेवियर इंडेक्स है ए हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स है बी भी हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स है तो ए और बी हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स है और एन जो हमारा है फ्लूड फ्लो बिहेवियर इंडेक्स अब आगे बढ़ते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन न्यूटीनियन फ्लूड की दो कैटेगरी है एक है टाइम डिपेंडेंट और एक है टाइम इनडिपेंडेंट ठीक है अब बात कर लेते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड की सबसे पहले बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड की फिर बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट फ्लूड की ठीक है तो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड में देख लेते हैं कि क्या है ठीक है पहला जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड में पहला टाइप का जो फ्लूड है उसको कहते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूड क्या कहते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूड ओके सूडो प्लास्टिक फ्लूड अब सूडो प्लास्टिक फ्लूड जो है उसको शियर थिनिंग फ्लूड भी कहा जाता है क्योंकि इसका रे इसका जो स्लोप है वो रेट ऑफ़ शेयर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन से इसका स्लोप डिक्रीज़ होता है ठीक है उसके बारे में मैं बताऊँगा कैसे होता है ठीक है यहाँ पे जो हमारा ये इंडेक्स जो मैंने आपको बताया था फ्लो बिहेवियर इंडेक्स एन और बी इसकी वैल्यू ज़ीरो इसकी फ्लो बिहेवियर इंडेक्स की वैल्यू वन से कम होती है और बीटा की वैल्यू बी की वैल्यू सॉरी बीटा नहीं बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इसके बेसिस पे जो हमारा एक एक्सप्रेशन निकल के आता है वो होता है टाउ इज़ इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन माइनस वन डी यू बाई डी वाई ठीक है अब यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा गया है इसको सिंप्लीफाइड वे में भी यहाँ पे इसको ये टर्म और ये टर्म देखिए जो मैंने आपको पहले एक्सप्रेशन बताया था नॉन न्यूटोनियन फ्रूड का ये कुछ अलग नहीं है बस इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है मैथमेटिकली क्योंकि हमें यहाँ पे एक टर्म जो दिखाना है वो है म्यू अपेरेंट अब म्यू अपेरेंट क्या है अपेरेंट डायनेमिक विस्कोस्टी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ डायनेमिक विस्कोस्ट पढ़ रहे थे लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं अपेरेंट डायनेमिक विस्कॉस्टी एटन स्टेंट अपेरेंट एक एटन स्टेंट कौन सी डायनेमिक विस्कोस्टि क्या है अपेरेंट डायनेमिक विस्कॉस्टी की बात कर रहे हैं ठीक है ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है आपको ये याद रखना है कि सूडो प्लास्टिक फ्लूड एक शेयर थिनिंग फ्लूड है शेयर थिनिंग फ्लूड है क्योंकि ये क्या होता है इसके नंबर ऑफ़ साइकिल जैसे इसमें क्या होता है जैसे शेयर थिनिंग फ्लूड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो कोई भी एक ऐसा फ्लूड इमेजिन करिए जिसको आप स्टायर करेंगे स्टायर मतलब कि आप ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे तो आप जैसे उसको मिक्स करते रहेंगे ना तो जितना ज़्यादा आप उसको मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे तो वो पतला होता जाएगा ऐसे आप डिफरेंट टाइप के फ्लू फ्लूड आप अपने लाइफ डे टू डे लाइफ में देखते होंगे जो मिलाते 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 पतले होते जाते हैं मतलब उस पर आप शीयर लगा रहे हैं आप शीयर लगा रहे हैं और उसकी जो थिकनेस है उसकी जो थिकनेस है वो घटती चली जा रही है मतलब वो थ, वो जो, क्या बोलते हैं उसको थिन होता चला जा रहा है ठीक है तो उस तरीके के फ्लूड्स को शूडो प्लास्टिक फ्लूड कहते हैं और ये एक थिनिंग फ्लूड होता है ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अक्सर बहुत हमसे पूछी जाती है हमसे कर्ब हमें हमेशा याद रखना है जैसे कि मैंने आपको अभी एक कर्ब बताया है न्यूट्रीनियन फ्लूड का जो इसकी स्ट्रेट लाइन है शूडो प्लास्टिक फ्लूड का जो कर्व बनता है वो इस तरीके का कर्ब होता है ठीक है ठीक है देख लीजिए ओरिजिन से शुरू हो रहा है इस तरीके का कर्व है ये शेयर स्ट्रेस और डी थीटा बाई डी टी या फिर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के बीच में प्लॉट हो रहा है ठीक है ये कर्व आप बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखती कर्व सारे ध्यान में रखते जाइए लास्ट में मैं रिवाइज करा दूंगा लेकिन कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको हर चीज़ का कर्व याद रखना है सूडो का कर्व अभी तक मैंने आपको दो कर्व बताए हैं न्यूटोनियन फ्लूड के कर्व बताया है सूडो का कर्व बता दिया आगे आगे बहुत कर्व बताने वाला हूँ कर्व याद रखिए क्वेश्चन में कर्व पूछा जाए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कर्व आपको कर्व याद रखना है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एग्जाम्पल्स तो कौन कौन से फ्लूड हैं जो कि ये हमारे क्या बोलते हैं इसको सूडोप्लास्टिक फ्लूड है तो एक हमारा मिल्क है ब्लड है अब जैसे मैंने आपको बोला था कि ये ऐसे मिल्क और ब्लड एक ऐसे तरीके के फ्लूड हैं जिनको आप जितना ज़्यादा स्टार करते रहेंगे मिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे वो पतले होते जाएंगे सीअर थिनिंग फ्लूड मिल्क के साथ भी यही केस है और मिल्क से रिलेटेड जैसे आप एग्जांपल लीजिए मट्ठा मट्ठा क्या होता है जब हम लोग मट्ठा करते हैं तो उसको कितना ज़्यादा मट्ठे को जितना ज़्यादा मथो जितना ज़्यादा मथो मठ मट्ठा पतला होता जाता है ठीक है दही को मथ मत, मत के मट्ठा बना देते हैं मथ मत, मत मत के मट्ठा बना रहे हैं मतलब वो है, है तो एक तरीके का फॉर्म ऑफ मिल्क ही और उसको जितना ज़्यादा उस पर शेयर लगा रहे हैं वो पतला होता जा रहा है शेयर थेनिंग फ्लूड है ब्लड के साथ भी यही है हालाँकि ब्लड के साथ आप ऐसा कुछ ही नहीं कर सकते ठीक है और लेकिन ब्लड भी इसी कैटेगरी में आता है तो मिल्क और ब्लड ये एक तरीके के शेयर थिनिंग फ्लूड है मतलब सूडो प्लास्टिक फ्लूड हैं नाम याद रखिए एग्ज़ाम्पल याद रखिए कि सूडो प्लास्टिक फ्लूड क्या होते हैं शेयर थिनिंग फ्लूड्स होते हैं एग्जाम्पल क्या है मिल्क और ब्लड और इनका जो कर्व बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है अब नेक्स्ट कैटेगरी का फ्लूड जो कि टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड में ठीक है अभी हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड तो नेक्स्ट कैटेगरी के फ्लूड में जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड में नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे डिलेटेंट फ्लूड की वॉट इज डिलेटेंट फ्लूड जस्ट अपोजिट ऑफ सूडोप्लास्टिक ये शीयर थिकिंग फ्लूड है डिलेटेंट फ्लूट का मतलब शेयर थिकिंग फ्लूट मतलब आप इसको मिलाएंगे इस तरीके के फ्लूट को आप मिलाते रहेंगे तो ये मोटा मतलब पता ये इसकी थिकनेस बढ़ेगी ये गाढ़ा हो जाएगा ऐसे बहुत सारे फ्लूट्स हैं जिसकी कैटेगरी में आपसे अभी डिस्कस करूँगा जिनको आप मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए और उनकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है वो बहुत गाढ़े हो जाते हैं ठीक है इसमें जो म्यू अपेरेंट म्यू क्योंकि एक्सप्रेशन वही है हमारा जो कि एक्सप्रेशन हमने अभी अब डिस्कस किया था ठीक है कौन सा एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया था ये वाला ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हमने डिस्कस किया था म्यू अपेरेंट की वैल्यू क्या है ए इंटू डी यू बाई डी वाई की पावर एन माइनस वन यहाँ पर म्यू अपेरेंट की वैल्यू जो है क्या हो रही थी यहाँ पे म्यू अपेरेंट की वैल्यू घट रही थी सॉरी यहाँ म्यू अपेरेंट की वैल्यू घट रही थी ठीक uh, है शियर थिकिंग थिनिंग फ्लूड्स में शीयर थिनिंग फ्लूड्स में म्यू अपेरेंट की वैल्यू घटती है म्यू अपेरेंट की वैल्यू घटती है तभी तो वो पतला होता है इमेजिन करिए डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है विस्कोसिटी विस्कोसिटी का मतलब है दो लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फ्लूड में अब दो लेयर के बीच के फ्रिक्शन मोटी मो, मो, जब गाढ़ा होगा तब अब अब सी सिंपल बात समझिए कि कोई गाढ़ा फ्लूड है आप उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे क्या वो आसानी से गिरेगा या फिर कोई पतला फ्लूड है उसको आप ऊपर से नीचे गिराएंगे तो क्या वो आसानी से गिरेगा विस्कॉसिटी किसमें ज़्यादा लग रही है जाहिर सी बात है गाढ़े वाले में ज़्यादा लग रही है और पतले वाले में कम लग रही है सीयर थेनिंग का मतलब है अपेरेंट विस्कोसिटी घट रही है उनके लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन घट रहा है तभी तो वो पतले हो रहे हैं ठीक है तो ये म्यू अपेरेंट अब इसी से रिलेटेड जो डिलेटेंट फ्लूड है उसकी म्यू अपेरेंट की वैल्यू बढ़ती है ये रीज़न है इसकी वजह से उसकी जो विस्कॉस है वो बढ़ रही है विस्कोसिटी बढ़ रही है और इस वजह से वो थिक हो रहा है ठीक है एक्सप्रेशन से याद रखिए और जल्दी से ये एक्सप्रेशन देख लीजिए मैंने पहले ही बता दिया अब देखिए इसका जो कर्व बनता है देखिए मैंने कहा था ना ठीक उल्टा सूडो ऊपर से जैसे इस तरीके का आप जैसे सूडो में ये कर्व देख रहे थे अब यहाँ डिलेटेंट में देख रहे हैं आप ये कर्व देख रहे हैं अपोजिट जस्ट अपोजिट याद रखिए सूटो प्लास्टिक डिलेटेंट भाई भाई हैं लेकिन अलग नेचर के ठीक है अब ये देखिए दोनों ही टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड हैं बट एक सीअर थिनिंग फ्लूड है एक शेयर थिकनिंग फ्लूड है तो आपको ये दोनों डिफरेंस याद रखना है ठीक है तो आप इसका कर देख लीजिए और ये किसके किसके बीच में बना हुआ है ठीक है किसके किसके बीच में बना हुआ है एक टाऊ के बीच में और डी थीटा बाई डी टी और डी यू वाई डी टी से हमने ये अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है ठीक है एटाऊ क्या है डी थीटा बाई डी टी क्या है डी यू बाई डी वाई क्या है इसीलिए हम यहाँ पे बहुत फ्रीली हैं और नहीं भी तो इसको हम बस याद रखिए और अच्छा है ये हमें याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है ओके तो आगे बढ़ें एक मिनट हाँ इस तरीके से डिलेटेंट फ्लूड डिस्कस कर ली एक और चीज़ जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करना है वो है एग्जाम्पल अब जैसे कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ़ शुगर अब जो चासनी बनती है चासनी तो आप सबको फेमिलियर होगी चासनी माने क्या अब चासनी जो बनती है जो चासनी नई नई बनी होती है लिक्विड स्टेट में होती है आप चाशनी को घुमाते रहिए उसको मिलाइए चम्मच से मिलाइए किसी भी चीज़ से आप उसको मिलाते रहिए मिलाते रहिए तो वो थिक हो जाएगी गाढ़ी हो जाएगी चासनी के अक्सर साथ हलवाई लोग देखो गाढ़ी गाढ़ी चासनी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा फिर वो ऐसे चिपक सी जाती है और ऐसे रबड़ जैसी शेप में बन जाती है खिंचती है मतलब वो थिक हो रही है तो एक बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल है डिलेटेंट फ्लूड का तो चासनी सूगर जो चासनी से आपको याद रहेगा चासनी एक डिलेटेंट फ्लूड है कंसनट्रेटेड सल्यूशन ऑफ़ सूगर एक डिलेटेंट फ्लूड है ये शेयर थिकिंग फ्लूड है ठीक है याद रहेगा सेम एग्ज़ाम्पल आप देखिए राइस स्टार्च एक्वस सोल्यूशन जो चावल का चावल होता है कई बार चावल गीला रह जाता है ठीक है आप ऐसे भी चावल को गीला रह जाता है ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ठीक हो जाएगा आप उसको या फिर चावल के पानी को जो चावल का स्टार्च है उसके पानी को जो उसके ऊपर की लेयर को उठा लीजिए और उसको घुमाइए मिलाते रहिए मिलाते रहिए एक समय के बाद देखेंगे कि वो थिक हो जाएगी उसकी बहुत गाढ़ी बहुत गाढ़ा सा कुछ बन जाएगा तो इसलिए इसका मतलब है कि उसकी जो अपेरेंट विस्कोसिटी है वो बढ़ रही है आप उसके ऊपर शीयर लगा रहे हैं ना अपेरेंट विस्कोसिटी उसकी बढ़ रही है और वो एक सीअर थिकिंग फ्लूड का एग्जाम्पल है तो क्या एग्जाम्पल याद रहेगा आपको सूडो प्लास्टिक के लिए आपको याद रहेगा एग्ज़ाम्पल क्या था मिल्क और ब्लड डिलेटेंट फ्लूड के लिए आपको एग्ज़ाम्पल क्या याद रहेगा एग्जाम्पल है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ़ फ्र शुगर एंड राइस स्टार चक्वर सोल्यूशन सिंपल डे टू डे लाइफ से रिलेट करिए चाशनी डिलेटेंट है चावल का पानी डिलेटेंट है ठीक है और मिल्क सूडो प्लास्टिक है और जो हमारा ब्लड है सूडो प्लास्टिक है दो कैटेगरीज क्लियर किया कर्ब क्लियर किया आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो इसमें जो हमारा एक है वो है बिंगम बिंगम हम बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं बिंगम टाइप के फ्लूड को गेस करिए क्या है बिंगम प्लास्टिक फ्लूड तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि बिंगम प्लास्टिक फ्लूड है क्या ये एक आइडियल प्लास्टिक फ्लूड है सबसे पहले तो आप जानिए इनके शॉर्ट नेम्स आपको जानना ज़रूरी है सूडो प्लास्टिक क्या था शयर थिनिंग फ्लूड और ये डिलेटेंट क्या था शीयर थिकनिंग फ्लूड और आपका बिंगम प्लास्टिक फ्लूड क्या है आइडियल प्लास्टिक फ्लूड ठीक है याद रखिए इसका जो एक्सप्रेशन है वो दूसरों से कुछ अलग है ठीक है यहाँ वहाँ हम एन माइनस वन यूज़ कर रहे थे यहाँ नहीं यूज़ करेंगे ये नॉर्मल जो हमारा नॉन न्यूट्रीन फ्लूइड का बेसिक एक्सप्रेशन था वो हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है ठीक है यहाँ पे एन की वैल्यू वन होगी और फिर और यहाँ पे बी की वैल्यू टाउन नॉट हो जाएगी हिल स्ट्रेस है जो कि और फिर इसका जो एक्सप्रेशन बनता है जब बी की ही वैल्यू बेसिकली अगर आप कर्व से इमेजिन करें तो बी ये जो होता है ना हमारा बी होता है ये जो होता है ना बी होता है ये और अभी तक हमें बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देखने को मिल रहा था बाकी कर्व्स में तभी तो वो नीचे से शुरू हो जा रहे थे ठीक है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो है b की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे b की वैल्यू है टाओ टाउ नॉट तो ये कर्व जीरो से ना शुरू होकर के टाउ नाट से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन होगा ठीक है तो आपको याद रखना है ये टाऊ के बीच में और डी थीटा बाई डी टी के बीच में बन रहा है कर्व याद रखिए तीन कर्व मैंने आपको बताए तीन कर्व मैंने आपको बताए ठीक है अभी मैं उसको समराइज़ करता हूँ अब इसके बिंगम प्लास्टिक फ्लूड के एग्जाम्पल तो मैंने आपसे कहा था ना आप डे टू तो डे लाइफ में इसको बहुत यूज़ करते हैं ये है टूथपेस्ट ठीक है आपका जो टूथपेस्ट है वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूड है टूथपेस्ट एक फ्लूड है तभी तो, तो वो फ्लो कर सकता है ठीक है प्लास्टिक ये जो बिंगम प्लास्टिक फ्लूड है टूथपेस्ट साथ में जो ड्रिलिंग मड इस्तेमाल होती है ड्रिलिंग में जो मड ड्रिलिंग मड इस्तेमाल होती है वो भी एक तरीके की पेस्ट जैसा होता है ना बिंगम प्लास्टिक फ्लूड है ठीक है तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी टाइम डिपेंडेंट फ्लूड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको तीनों कर्व एक्सप्लेन uh, फिर से ऐसे बना देता हूँ याद रखिए कर्व मैं कर्व पे बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि कर्व इम्पॉर्टेंट है ये किसका कर्व है बताइए किसका कर्व है ये सोडो का ये किसका कर्व है बताइए ये किसका कर्व है डिलेटेंट का और ये किसका कर्व है बेंगम प्लास्टिक बिल्कुल सही जवाब तो ये बात है तीन टाइप के फ्लूडो के टाउ टी थीटा बाई डी टे के बीच में बन रहा है या डी यू बाई डी वाई के बीच में बन रहा है एक ही बात है आपको ये बातें क्लियर हैं ये टाउ नॉट से शुरू हो रहा है ये तीन कर्व याद रखिए कर्व आपको रहा याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स में पूछा जाता है इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाहे आप सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम लिखने वाले हैं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है टाइम डिपेंडेंट फ्लूड ठीक है क्या है टाइम डिपेंडेंट फ्लूड ओके तो आ, टाइम डिपेंडेंट फ्लूड में जो सबसे ता, पहले टाइप का फ्लूड हम डिस्कस करेंगे वो है थेक्जोट्रॉपिक ठीक है थेक्ोट्रॉपिक फ्लूड अब इन फ्लूड्स की सबसे बेहतर मतलब जो बात होती है इनमें बीटा की वैल्यू जीरो नहीं होती ठीक है अभी सॉरी बीटा बार बार बोला हम सॉरी वर्टिन बी की वैल्यू जीरो नहीं होती ठीक है बी की वैल्यू जीरो नहीं होती अभी तक जो हम प्लास्टिक्स टाइम डिपेंडेंट में जो हम टाइम इनडिपेंड रहे थे सूडो प्लास्टिक हो गया डिलेटेंट हो गया बिंगघम हो गया उसमें बिघघम को छोड़ दीजिए तो बाकी दोनों में बी की वैल्यू जीरो थी लेकिन यहाँ पे थिक्स में आप देख रहे हैं एन की वैल्यू जो है वो जीरो से वन से कम होगी और b की वैल्यू जो है ज़ीरो से ज़्यादा होगी यहाँ पे अपेरेंट विस्कोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज़ होती है देखिए जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट था जो हमारा टाइम इन सॉरी क्या बोल रहा हूँ जो हमारा टाइम हाँ सही बोल रहा हूँ टाइम इनडिपेंडेंट फ्लूट था जो हमारा उसमें जो भी अपेरेंट विस्कोसिटी के साथ जो भी हो रहा था शेयर थिनिंग हो रही थी शेयर थिकनिंग हो रही थी जो भी हो रहा था उसमें टाइम का कोई रोल नहीं था ठीक है टाइम का उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इसीलिए तो उसको टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूट कहते हैं ठीक है उस पर जो कुछ भी था शेयर से इफेक्ट था हम मिला रहे थे वो पतला हो रहा था मोटा हो रहा था उससे टाइम का उससे कोई लेना देना नहीं था लेकिन यहाँ पे टाइम से फ़र्क पड़ रहा है जो थिक्सो ट्राफिक टाइप के फूड फ्लूट्स होते हैं उनमें जो अपेरेंट विस्कोसिटी होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज़ करती है ठीक है अंडर अ गिवन शेयर रेट किसी भी अंडर गिवन शेयर रेट पे डिक्रीज़ करती है अब जैसे मैंने आपको बताया कि बी की वैल्यू हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होगी तो ये कर्व कभी इनिशियल से शुरू नहीं होंगे ठीक है आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कर्व दे दिए गए ढेर सारे और चार जैसे चार ऑप्शंस होते हैं कर्व दे दिए गए पूछ लिया गया इनमें से कौन सा थिक टाइप का फ्लूड है तो सबसे पहले उन कर्व्स को एलिमिनेट करिएगा जिनका कर्व जीरो से शुरू हो रहा है क्योंकि थिक्स जो ट्रॉफिक की बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है वो जीरो से नहीं शुरू हो सकता ठीक है तो पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए जो जीरो से शुरू हो रहे हैं उसके बाद देखिए कि आपके पास क्या अवेलेबल है वैसे करेक्ट ऑप्शन याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है करेक्ट ऑप्शन ये है कि आप ऐसा ये कर् इस तरीके का बनेगा यहाँ बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ये टाउ है ये डी थीटा टा वाई डी टी या डी यू वाई डी टी है डी वाई है ठीक है जिस तरीके से एग्ज़ाम्पल क्या होंगे इनके एग्जाम्पल्स हैं इनके हमारे कुछ पेंट्स ठीक है पेंट्स हो गए हमारे कुछ जो हो इनके एग्ज़ाम्पल्स हैं और प्रिंटर इंक ठीक है प्रिंटर की इंक और पेंट बेसिकली ये रिलेट कर लीजिए कलर से जो भी कलर हम यूज़ करें इंक में भी तो एक तरीके का कलर ही हम इस यूज़ करते हैं ठीक है और जो हमारे पेंट्स होते हैं उनमें वो भी एक कलर ही है तो बेसिकली आप जान लीजिए कलर्स जो हैं हमारे पेंट है और प्रिंटर सिंक है ये थिक्स टाइप के फ्लूड हैं याद रखने के लिए ठीक है अगला जो नेक्स्ट कैटेगरी है इस फ्लूड की वो है रियोफैक्टिक क्या है रियोफैक्टिक अगेन बी की वैल्यू कुछ ना कुछ है जीरो से ज़्यादा है और यहाँ पर एन भी जो है वो एक से ज़्यादा है यहाँ पर जो म्यू अपेरेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ हो रहा है और उसमें क्या हो रहा था डिक्रीज़ हो रहा था इसलिए जो इसका कर्व बन रहा है वैसा करना रहा है ठीक उल्टा याद रखिए मैंने सब कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ भाई भाई हैं लेकिन अपोजिट हैं अपोजिट बन गया ठीक है वो वो कुछ इस तरीके का बन रहा था ये यहाँ पे इस तरीके का बन गया आप जैसे देख रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं रियोफैक्टिक फ्लूट ठीक है इसको कहते हैं रियोफेक्टिव फ्लूड एग्जाम्पल कौन से हो गए रियोफैक्टिक फ्लूड के जो गिप्सम सस्पेंसन और इन वाटर जो गिप्सन वाटर गिप्सन जो कॉम्बिनेशन है गिप्सन अक्सर याद रखिए सीमेंट में पड़े होंगे आप रिटार्डर की तरह गिप्सन का इस्तेमाल किया जाता है तो गिप्सम वाटर सस्पेंशन जो है वो एक तरीके का रियोफैक्टिक फ्लूड है ठीक है ओके तो रियोफ्लैटिक फ्लूड ये हो गया कर्व देख लीजिए ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी आइडियल फ्लूड्स की अक्सर हमसे कई बार ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेमेस्टर्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वन मार्क्स टू मार्क्स में व्हाट इज़ आइडियल फ्लूड ठीक है तो आइडियल फ्लूड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमको दिमाग में रखना है वो फ्लूड जो फ्रिक्शन हो इनविसिड हो मतलब उसकी बिस्कॉसिटी ज़ीरो हो ठीक है अपेरेंट बिस्कॉसिटी डायनेमिक बिस्कॉसिटी जिसकी जीरो हो वो फ्लूड जो कंप्रेस ना हो सके इनकम्प्रेसिबल हो जिसमें किसी भी तरीके का सरफेस टेंशन ना एक्ट करे कुछ भी कोई भी सरफेस टेंशन हो ही ना कोई भी सरफेस टेंशन का इफेक्ट उसके ऊपर हो ही ना वो कैटेगरी के फ्लूड को आइडियल फ्लूड कहते हैं वैसे तो ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है ऐसा कोई भी फ्लूड नहीं होगा जिसमें जो फ्रिक्शन लेस हो ऐसा कोई भी फ्लूड नहीं होगा जो थोड़ा बहुत कंप्रेस ना होता हो ऐसा कोई भी फ्लूड नहीं होगा जिसमें सर्फेस टेंशन का इफेक्ट ना पड़ता हो तो ये एक इमेजनरी है लेकिन आइडियल फ्लूड यही होते हैं आइडियल फ्लूड वो होते हैं जो फ्रिक्शन हो इनविसिड हो इनकम्प्रेसिबल हो कोई सरफेस टेंशन उसके ऊपर एक्ट ना करे इसी लिए इनका जो कर्व होता है और डी तो ना इसके ऊपर किसी तरीके का कोई चेंज ही नहीं आ रहा ना सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है ना इनकम इंकम्प्रेसिब, इनकम है और फ्रिक्शन लेस है तो ये सिर्फ एक्स एक सिंपल लाइन जो होती है वो हमारी क्या होती है आइडियल फ्लूड आइडियल फ्लूट क्लियर ओके आगे बढ़ें तो अभी तक आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन जो हम कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा तो अभी तक हमने कुछ छः तरीके के कर्व देखे टाइम इंडिपेंडेंट में हमने कुछ क्या क्या देखा टाइम इंडिपेंडेंट में तीन तरीके के देखे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एक सूडो एक डिलेटेंट और एक बिघम प्लास्टिक ठीक है जो शूडो प्लास्टिक में हमने जो देखा उसका कर्व कैसा बन रहा था दोस्तों उसका कर्व बन रहा था टाऊ और डी थीटा बाई डी के बीच में ऐसा ठीक है याद है ना डी थीटा बाई डी टी ठीक है दूसरा वाला कैसा बन रहा था ऐसा याद है ना और तीसरा वाला ऐसा ठीक है भी याद रखिए कर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और फिर बाक़ियों की बात करें और फिर टाइम डिपेंडेंट में हमने कौन से तीन देखे टाइम डिपेंडेंट में हमने एक पहला वाला देखा थिक्गो ट्रॉपिक रियोफेटिक और फिर थिक्जो और रियोफैटिक दो ही देखे ठीक है आइडियल तो अलग है थिक्जो रियोफैटिक देखे हमने तो थिक्जो कैसा था हमारा थिक्जो था ऐसा और रियोफेटिक था ये थिक जो टॉपिक और रियोफेटिक कैसा था ऐसा ठीक है तो कर्व याद रखिए कर्व याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए आइडियल का कैसा कर्व बना आइडियल का कर्व अभी ऐसे बगल में आप देख ही रहें कि ये है आइडियल का कर्व ठीक है याद रखिए याद रखिए इसको क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं रियोफेटिक रियोलॉजी हमने ख़त्म कर ली बेसिकली इसी में एक छोटा सा टॉपिक छोटा सा टॉपिक जो है हमने बहुत ज़्यादा नूमेिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फार्मूला ज़्यादा करना ज़रूरी है अगर आप कंसेपच्चुअली मुझसे जानना चाहेंगे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सरफेस टेंशन होता क्या है जब भी जो वाटर की सबसे ऊपर की लेयर होती है सपोज दैट कि ये एक टैंक है ये यहाँ पे एक वाटर टैंक है इतना भरा हुआ है ठीक है और यहाँ पे एक मान लीजिए कोई भी एक एक पार्टिकल है फ्लूड पार्टिकल है यहाँ पे सरफेस पे और यहाँ पे एक कोई फ्लूड पार्टिकल है यहाँ पे। अगर अगर आप इस पर्टिकुलर फ्लूड पार्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से कुछ हो रहा है ठीक है ठीक है नीचे की तरफ इस फ्लूड पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ टेंशन लग रही है अगर आप इसकी बात करें तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके का लग रहा है ठीक है तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब भी सरफेस पे वाटर सरफेस पे जो पार्टिकल मौजूद होता है उसके ऊपर जो भी उसको टेंशन जो भी उसको एक एक इफ़ेक्ट फील होता है जो भी उसको एक टेंशन फ़ील होती है उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन तो ये हमारी बेसिकली इस तरीके के पार्टिकल्स के बारे में बात है जो यहाँ पर मैंने अभी बनाया ये टैंक ये इस तरीके के पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है ठीक है ऐसे हम सरफेस टेंशन जो है बहुत सारे चीज़ों में होता है जैसे कि टैंक हो गया जैसे बबल्स हो गए और वाटर ड्रॉप्स हो गई जेट हो गया बहुत सारी चीज़ों में हमें जहाँ पे वाटर है वहाँ पे सरफेस टेंशन है क्योंकि वाटर है सरफेस है सरफेस होगी तो सरफेस टेंशन होगा कोई चीज़ होगी तभी तो उसका टेंशन होगा होगी ही नहीं तो टेंशन किस बात का ठीक है तो बेसिकली हमें तो यहाँ फार्मूला देखना था जितनी भी मैंने आपको डायग्राम में चीज़ें बताईं आप यकीन मानिए कहीं पर भी जाके पढ़ेंगे आपको यही एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको यही छोटा सा सिंपल सा डायग्राम तीन चार पन्ने में एक्सप्लेन किया होगा जो मैंने आपको दो मिनट में बताया अब इसमें जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो एग्ज़ाम्पल ये क्या कॉन्सेप्ट uh, और फार्मूला ठीक है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वाटर ड्रॉपलेट का ठीक है वाटर ड्रॉपलेट का एग्जाम्पल है सपोज करिए एक वाटर ड्रॉप है वाटर ड्रॉप आपने देखी है वाटर ड्रॉप क्या होती है फुल ऑफ वाटर उसके अंदर भी वाटर होता है तो हमें पता है ड्रॉप तो पूरी वाटर से भरी होगी अंदर वाटर बाहर वाटर ठीक है इसके अंदर वाटर है तो देखिए अंदर का एटमॉसफियर जो है वो वाटर का है ये वाला जो हिस्सा है वाटर है वाटर के बाहर एयर है ठीक है तो प्रेशर इनसाइड माइनस पेपर प्रेशर आउटसाइड हमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर ड्रॉपलेट में प्रेशर डिफरेंस बताइए या कई बार सर्फ प्रेशर डिफरेंस दिया होता है सरफेस टेंशन पूछ ली जाती है तो अगर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिए तो मैंने आपसे यही कहा था कि जैसे इस तरीके का टैंक था पार्टिकल जो है सरफेस पे पड़ा हुआ था इस तरीके से उसके ऊपर लग रहा था अगर आप उसी वाटर ड्रॉपलेट के केस में इमेजिन करिए इसको मान लीजिए हमने बीस से काट दिया और इस तरीके से आउटसाइड इसमें देखिए कैसे ये ये जो पार्टिकल पार्टिकल के ऊपर जो टेंशन लगा रही है वही है सरफेस टेंशन ये सरफेस टेंशन डेवलप हो रहा है तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो फार्मूला इसका जो बनता है वो बनता है डेल्टा पी इज इक्वल टू टू सिग्मा पाई आर आर इज द रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप सिग्मा इज़ द सर्फेस टेंशन डेल्टा पी इज द चेंज इन प्रेशर प्रेशर इन साइड माइनस प्रेशर आउटसाइड ठीक है ये है तो आपको बेसिकली ये फार्मूला याद रखना है तो वाटर ड्रॉपलेट के लिए प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला क्या है दोहराइए मेरे साथ टू सिग्मा बाई आर क्या है टू सिग्मा बाई आर आगे बढ़ते हैं एयर बबल्स एयर बबल्स क्या है अब देखिए इमेजिन करिए अब कोई एयर बबल है जैसे कि आपने वो जो साबुन के बुलबुले बहुत बिकते हैं जो हम लोग कई बार बना भी लेते हैं और कई बार वो मार्केट में बिकते भी हैं उन बबल्स को इमेजिन करिए उन बबल्स को इमेजिन कर लीजिए वाटर में भी बबल्स बनते हुए हैं बबल्स में क्या होता है अंदर भी एयर होती है कंडीशन है अगर वाटर में एयर है तो अंदर एयर बाहर वाटर होगा ठीक है अगर बाहर की बात कर रहे हैं तो बाहर भी एयर अंदर भी एयर तो बेसिकली हम यहाँ किस तरीके के पर्टिकुलर केस का डिस्कशन कर रहे हैं कि वाटर ड्रॉपलेट फ्लूट के अंदर बन रहा है क्योंकि हम फ्लूट पढ़ रहे हैं ठीक है और वाटर के अंदर बन रहा है अब यहाँ पे जो है इस हिस्से में एयर मौजूद है इस हिस्से में वाटर मौजूद है अब इसके लिए जो हमारा प्रेशर डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा पी इज़ इक्वल टू टू सिगमा बाई आर ठीक है एक मिनट हाँ तो यहाँ पे मैंने बताया कि वो जो है एयर बबल के लिए जो हमारा बनेगा वो बनेगा डेल्टा फिजिकल टू टू सिमाइार अब आप सोच रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आ, यहाँ पे भी टू सिगमा बाईर और वहाँ पे भी टू सिगमा बाईर देखिए यहाँ पे इस कंडीशन सेम है एयर बबल के केस में दो कंडीशंस क्रिएट होंगी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे यहाँ पे अंदर वाटर था बाहर एयर थी अगर आप इस सिचुएशन की बात करेंगे तो यहाँ पे अंदर एयर है और बाहर वाटर है मतलब जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड यही तो बन रहा है लेकिन अगर ये बाहर बबल बाहर आ जाए अब जैसे आप सोप बबल्स की बात कर लें सोप बबल के कंडीशन में एक इमेजिनरी सोप बबल्स हो गए जैसे जो बबल्स बनते हैं सोप बबल्स ही बनाते हैं ना उसमें सोप होता है तो बबल्स निकलते हैं अब बाहर भी ए अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है अब एयर एयर है तो वहाँ पे अब दो तरीके का इस तरीके का इंटरफेस क्रिएट हो गया वहाँ पर ये टू सिग्मा बाई आर नहीं रह जाएगा प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा फोर सिग्मा बाई आर तो आप इंटरफेस की सिचुएशन की इमेजिन करके कॉन्सेप्ट को याद करिए कि सपोज दैट अगर बाहर भी एयर अंदर भी एयर तो फोर सिग्मा बाई आर अंदर एयर बाहर वाटर या बाहर वाटर अंदर एयर तो वहाँ पे टू सिगमा आर तो इस तरीके से आप चीज़ें को चीज़ों को याद रखिए दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया लास्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा जेट फॉर्मेशन जेट फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से समझ लीजिए कि पानी बह रहा है जब भी वाटर आप देखिए बहता है आप इमेजिन करिए सब ऐसे ही कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है सिलेंडरकल फॉर्म में चीज़ें क्रिएट हो रही हैं ठीक है ठीक है मान लीजिए ऐसे टैब ओपन है ये हो गया टैब यहाँ से ऐसे पानी गिर रहा है ऐसे 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 सिलेंडरकल शेप एक क्रिएट कर रहा है ठीक है अब इसकी मान लीजिए रेडियस आपकी कुछ भी है आ है ठीक है उस केस में जो आपका जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उस केस में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा सिग्मा बाई आर तो जेट फॉर्मेशन में आपको याद रखना है सिग्मा बाई आर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला थे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसमें थे जिसमें थे चार इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने बताया चार कॉन्सेप्ट बताए फार्मूला तो आपको तीन ही बताए ठीक है पहला मैंने बताया कि जब ड्रॉप की बात की गई ड्रॉप की बात करी ड्रॉपलेट की बात की, की गई तो वहाँ मैंने बोला कि डेल्टा पी वहाँ मैंने बोला कि डेल्टा पी इज़ इक्वल टू टू सिग्मा बाई आर ठीक है अगर मैंने फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की सोप बबल की बात की ठीक है दूसरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ एयर बबल वाला जो पानी के अंदर है उसमें भी टू सिग्मा बाई आर है ये या आपको यार, ये पता ही है इंटरफेस ही बस इधर उधर हो रहा है बाकी कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है सोप बबल्स की बात की मैंने तो जहाँ पे अंदर बाहर दोनों एयर थी तो वहाँ पर फोर सिग्मा बाई आर हो गया डेल्टा पी इज इक्वल टू ठीक है डेल्टा पी इज़ इक्वल टू हो गया फोर सिग्मा बाई आर और अगर मैंने आपको जेट फॉर्मेशन की बात की तो जेट का हो गया डेल्टा पी इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई आर तो ये तीन ऐसे फॉर्मूला हैं जो आपको नूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं और ये आपको याद रखने ही हैं क्योंकि सरफेस टेंशन में जो कुछ भी है आपके मतलब का सिविल इंजीनियरिंग में आपके मतलब का जो भी है सरफेस टेंशन में वो यही है ठीक है जितना आपको जानना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं और ये टॉपिक है कैपिलरी इफेक्ट ठीक है अब कैपेलरी इफेक्ट क्या होता है स्कूल में हमने थोड़ा थोड़ा सब सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है कि कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं किसके अंदर तो सबसे बेसिक कंडीशन जो कैपिलरीज की होती है वो स्मॉल डायमीटर ट्यूब होती है जब भी कोई बहुत ज़्यादा स्मॉल डायमीटर की ट्यूब होगी और उसके अंदर वाटर होगा तो वो कैपलरी एक्शन मतलब राइज़ और फॉल कैपलरी एक्शन का मतलब होता है राइज और फॉल क्या आपको पता है कि आपके तौलिए में जो वो जो थोड़े सॉफ्ट से तौलिए नहीं आते गमछे की बात नहीं कर रहा हूँ तौलिए की बात कर रहा हूँ प्रॉपर उसके अंदर भी जो कई बार आप उसको गीला करें तो उसमें पानी जो है रुकता है जैसे आप उसको निचोड़ते हैं तो पानी गिरता है कई बार उसमें पानी ठहर जाता है बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आप जिससे कैपलगरी इफ़ेक्ट को समझ सकते हैं पानी उसमें ठहर जाता है क्यों है जो उसके रेशे होते हैं जो तौलिए के रेशे होते हैं उनके रेशों के बीच में छोटी छोटी वाटर की स्मॉल डायमीटर की ट्यूब्स बन जाती हैं ठीक है थीके? वाटर की स्मॉल डायमीटर की ट्यूब्स बन जाती हैं और वो ट्यूब्स जो है वो ट्यूब जो है उसकी उसी में राइज और उसी में पानी स्टोर हो जाता है ठीक है कैपलरी इफेक्ट है वो उसी में पानी स्टोर हो जाता है जब आप तौलिए को निचोड़ते हैं तो वही पानी वही ट्यूब्स टूट जाती है और वो पानी बाहर निकल जाता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्यूब्स थोड़ी होती हैं पानी की ट्यूब है पानी की ट्यूब जो है टूट जाएंगी आसानी से इसको निचोड़ेंगे पानी निकल जाएगा ये है कैपलरी इफेक्ट कैपलरी इफेक्ट का समझने के लिए डेली लाइफ में बेस्ट एग्ज़ाम्पल है तौलिया ठीक है जो आपका टवल है टावल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है कैपिलेरी इफेक्ट को समझने के लिए तो बेसिकली कैपिली इफेक्ट क्या है वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर ट्यूब के अंदर जब भी वाटर हो या कोई भी और मटेरियल हो तो उसके अंदर राइज और फॉल की सिचुएशन आती है और इस तरीके से वो एक कर्व जो है डिफाइन करता है एक्ट एंगल थीटा ठीक है डाउन डाउन ऐसा होगा ऐसा होगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ पे हमारे मतलब का कितना है क्योंकि कैपिलरी इफेक्ट हम इन्हें स्कूल में बहुत डिटेल में पढ़ा है लेकिन हमको मतलब का इसमें हमको कुछ ही चीज़ें याद रखनी है कैपिलरी इफेक्ट से हमको चीज़ें याद रखनी है कि बैटिंग और बेटिंग लिक्विड क्या होता है और नॉन बैटिंग लिक्विड क्या होता है ठीक है ओके तो बेसिकली बेटिंग लिक्विड यहाँ लिखा हुआ है नॉन वेटिंग शायद कट गया आई थिंक रुको एक मिनट हाँ तो राइज इन द कैपिलरी ट्यूब वेटिंग लिक्विड हो गया और नॉन वेटिंग लिक्विड फॉल इन कैपिलरी ट्यूब ठीक है वाटर गै वाटर ग्लास जो है वो वेटिंग लिक्विड का केस हो गया और ग्लास uh, और मरकरी ठीक है ग्लास और मरकरी एच जी जो है हमारा वो हो गया हमारा नॉन वेटिंग लिक्विड का केस हो गया ठीक है तो वाटर और ग्लास का केस हमारा वेटिंग लिक्विड कैसे हो गया जब भी वाटर के जब भी कोई ग्लास होगा वाटर होगा तो देखिए ड्रॉप्स इस तरीके से होता है ड्रॉप्स जीरो डिग्री वन एट्टी डिग्री पे जैसे इस तरीके से होता है ये ये सरफेस को वेट कर देती हैं क्योंकि ये सरफेस पे एक्सपेंड हो जाती हैं ठीक है वेटिंग का लिक्विड का मतलब है कि वो सरफेस को गीला कर दे तो वाटर ग्लास का जो कॉम्बिनेशन है वो वेटिंग लिक्विड है इनके लिए लेकिन जब आप मरकरी को किसी सर्फेस पर डालेंगे तो मरकरी जो है वो फैलती नहीं है सर्फेस पे ठीक है मरकरी जो है सर्फेस पर ग्लास के सर्फेस पर फैलेगी नहीं तो इसलिए वो जो है नॉन वेटिंग लिक्विड हुआ वो सर्फेस को आप मरकरी को उठा लीजिए ग्लास के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा आपको क्योंकि वो सरफेस को गीला नहीं करेगी तो नॉन वेटिंग लिक्विड और वेटिंग लिक्विड का ये जो कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था ठीक है कैपिलरी राइज में एक जो बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमको याद रखना चाहिए जो कई बार हमसे पूछ लेता है कि हाइट ऑफ राइज क्या है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैपिलरी माने जो है बेसिकली राइज और फॉल की सिचुएशन तो राइज हाउ मच राइज हाउ मच फॉल एच की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है फोर सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी जहाँ पे सिग्मा आपकी सरफेस टेंशन है थीटा आपका वो एंगल है जिस पे कैपिलरी शेप बन रहा है दिस इज थीटा जैसा मैंने आपको पहले ही बताया रो डेंसिटी है जीज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी इज द डायमीटर तो ये फार्मूला आपको याद रखना है फॉर कैलकुलेटिंग राइज और फॉल तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है पहले ही बता दिया तो तो थैंक यू सो मच ये अभी तक की वीडियो थी जिसमें हमने बेसिकली रियोलॉजी सरफेस टेंशन और कैपिलरी इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया रियोलॉजी में हमने डिस्कस किया न्यूट्रीनियन फ्लूड और नॉन न्यूट्रीनियन फ्लूड न्यूट्रीनियन नॉन न्यूट्रीनियन फ्लूड में हमने डिस्कस किया टाइम डिपेंडेंट फ्लूड और टाइम इनडिपेंडेंट फ्लूड टाइम इनडिपेंडेंट फ्लूड में हमने डिस्कस किया कौन कौन से फ्लूड सुडोप्लास्टिक डिलेटेंट बिंगम प्लास्टिक और टाइम डिपेंडेंट में हमने डिस्कस किया थिग्जो टॉपिक और इसमें इसमें जो है हमने सारे कर्व्स देख लिए हमने सरफेस टेंशन देखा हमने देखा सोप बबल्स के बारे में ड्रॉपलेट्स के बारे में जेट फॉर्मेशन के बारे में हमने कैपलेरी इफेक्ट देखा वेटिंग और नॉट वेटिंग लिक्विड्स को समझा और राइज और फॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा तो अभी तक हमने ये टॉपिक कवर किया है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट तो ये तो अगली मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मेरे और आने वाली वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिए थैंक यू सो मच